स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आई टी चैनल नेटवर्क सील्ड में और वेब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपलोड कर रहा लेक्चर नंबर और इसमें हम आज बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और हमें क्या चीज पे फोकस करना है और साथ ही हम पढ़ेंगे कि क्लाउड प्लेटफॉर्म हमारे कितने टाइप से होते हैं कैसे हम उसको सेग्रीगेट करते हैं ठीक है तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे ए स्मॉल ट्राइंगुलर पेस्ट्री फिल्ड विथ स्पाइस मीट और वेजिटेबल एंड फ्राइड इन घी और ऑयल इस चीज कि तो अगर आप कंटेंट देखेंगे एग्जाम गाइड पे अगर आप जाएंगे देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस में है तो आपको सारे नए नए टर्म्स वहाँ पे दिखेंगे यानी आप एक तरीके से कहें तो डिमोटिवेट हो जाएंगे लेकिन एक्चुअल में वो टर्म्स को अगर आप समझेंगे तो वो जस्ट लाइक ये समोसा की मतलब समोसा निकलेगा वो लेकिन आपके सामने वो दूसरे वर्ड के साथ पेश किया गया हुआ है ठीक है तो डरने की जरूरत नहीं है मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कंटेंट कि एग्जाम गाइड में क्या क्या है तो अगर आप डोमेन वन टू थ्री फोर फाइव ये टर्म सारे पढ़ेंगे तो ये सर के ऊपर से आपके जाएंगे क्योंकि आप इनसे कभी रूबरू नहीं हुए ठीक है लेकिन एक्चुअल में ये आप लोगों को समोसा लगेगा जब आप मेरे सारे वीडियोज को देखेंगे और उनको समझेंगे और देन इस कंटेंट पे आएंगे तो आप लोगों को बड़ा क्लियर लगेगा बिल्कुल साफ़ सुथरा लगेगा तब आपको लगेगा अरे यार भाई तुम तो समोसे की बात कर रहे थे लेकिन कंटेंट तो ये रहा तो डरना नहीं है ये आपका एग्जाम सिलेबस है तो ये सिलेबस अगर आपको देखना है सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का तो आप इनकी वेबसाइट पर जाएँ तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये बाकायदा सैंपल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी डाला हुआ है ठीक है तो अभी अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये बहुत आपको डिमोटिवेट करेगा क्योंकि ये टर्म आपको अभी समझ में नहीं आएंगे ठीक है तो डरना नहीं है तो सिंपल सा ये रहा इनकी वेबसाइट ऑफिशियल ए डब्ल्यू एस डॉट अमेजोन डॉट कॉम पर आप सर्टिफिकेशन और ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे ये सारे गाइड है यहाँ पे डाउनलोड एग्जाम गाइड भी है देखो राइट right में और डाउनलोड एग्जाम गाइड ऐसे टू है वन और टू में क्या डिफरेंस है एक्चुअली वन जो है आपका यहाँ पर कुछ लिखा था कि ये वैलिड है ट्वेंटी थर्ड मार्च तक आ ये ऐसे ये जीरो टू जो है आपका ये मतलब मार्च ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी जो कि अभी चला गया डेट तो तब तक वैलिड था लेकिन अभी जो है ये, ये नया आया है एस ए सी जीरो वन आई मीन आपको ये चीज़ पढ़नी है एस ए सी जीरो वन आई डोंट थिंक सो कि इन पर कुछ डिफरेंस होगा ऐसा वो वन या टू टॉपिक्स इन्होंने ऊपर नीचे किए होंगे ज़्यादा कोई डिफरेंस मुझे तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर अगर आपको एग्ज़ाम के बारे में देखना है तो आप देख सकते हैं सिंपल सी बात है अभी आप जो है फोकस करें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दें बाकी चीज़ें आप छोड़ दें वीडियोज़ पर छोड़ दें हमारी जब एक बार वीडियोज़ कम्प्लीट हो जाएंगी फिर आप बुक प्रेफर करना तब आपको टर्म समझ में आएंगी ठीक है बढ़ते अपने लेक्चर में आगे आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि इसको हम कितने तरीके से डिप्लॉय करते हैं और कैसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग को समझते हैं कैसे हम मार्केट में अगर हम जाएंगे तो कैसे हम अपनी डिमांड को उनके सामने रख पाएंगे फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी के नेटवर्क इंजीनियर हैं और आपके पास uh, कंपनी के सी की तरफ से आता है ऑफ़र कि आपको जो है ये प्रोजेक्ट पर काम करना है और अपनी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको उस क्लाउड वेंडर से डिस्कस करना है तो तब आप को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए ठीक है एक्चुअल में तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे समझते हैं ठीक है क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे पहले बात हम करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आपके पास एक्सेस होना चाहिए इंटरनेट का ठीक है आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है इंटरनेट आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर है इंटरनेट के थ्रू आप, आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं चाहे आप कोई भी सर्विस यूज करते हैं चाहे आप जी यूज़ करते हैं चाहे आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप क्लाउड पे काम कर रहे हैं ठीक है क्योंकि आप डायरेक्टली उनके एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो दैट्स कॉल क्लाउड सिंपल चीज़ है कि आप अगर कोई भी एप्लीकेशन मैनेज नहीं कर रहे हैं आप कोई भी हार्डवेयर मैनेज नहीं कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल फेसबुक की अगर हम बात करें क्या आप फेसबुक का हार्डवेयर मैनेज करते हैं क्या आपको क्या आपको चिंता है कि फेसबुक का जो फेसबुक आप पेज ओपन कर रहे हैं जो भी डेटा उस पर आप स्टोर कर रहे हैं वो कैसे मैनेज हो रहा है कहाँ पे मैनेज हो रहा है डेटा आपका कहाँ जा रहा है नहीं ना बिल्कुल भी नहीं आपके पास एप्लीकेशन है आप एप्लीकेशन पर यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं आप अपना और आप काम करते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें आती हैं क्लाउड में ठीक है लेकिन यहाँ पे क्लाउड में क्या होता है कि आ, कई बार आपको रेंट पे करना होता है प्रोफेशनल वे में अगर हम बात करें कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं ठीक है आप कंपनी में काम कर रहे हैं आपने अपने सर्वर जो है क्लाउड प्लेटफॉर्म ए पे जो है इनसे परचेज़ किया हुआ है सर्वर आपने बोला कि मेरे को हंड्रेड टी का एक सर्वर चाहिए डेटा स्टोर करने के लिए तो वो आपसे चार्ज लेंगे इस चीज का वो आपको हंड्रेड टी स्पेस देंगे बदले में वो आपसे चार्ज लेंगे तो दैट्स तो कॉल क्लाउड प्लेटफॉर्म ठीक है सिंपल सी बात है सबसे पहले हम डिप्लॉयमेंट मॉडल पे फोकस करते हैं यहाँ पर डिप्लॉयमेंट मॉडल दोस्तों चार टाइप का होता है यहाँ पे ठीक है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर में डिप्लॉयमेंट कि आप कितने तरीके से आप अपने डिवाइसेस को क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं आप उनपे क्या सिक्योरिटी लगाते हैं तो उस सिक्योरिटी लेवल को देखते हुए हमने कैटेगराइज किया हुआ है डिप्लॉयमेंट मॉडल को यहाँ पे तो पब्लिक क्लाउड पब्लिक क्लाउड मतलब आपने कोई अप्लीकेशन आपने होस्ट करी इंटरनेट पे क्लाउड पे जिसको कि आपके कंपनी के इम्प्लॉयी ठीक है एम्प्लॉय प्लस आप पब्लिक यानी बाकी के लोग पब्लिक इंटरनेट पब्लिक एक्सेस कर सकती है तो दैट्स कॉल्ड पब्लिक क्लाउड फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी की खुद की वेबसाइट या कंपनी को छोड़ो हमारे चैनल की वेबसाइट नेटवर्क सील डॉट इन ये हमने क्लाउड पे डाला हुआ है नेटवर्क सील डॉट इन ठीक है तो इसको मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ आप भी एक्सेस कर सकते हो दैट कॉल्ड पब्लिक क्लाउड सिंपल सी बात है ओके okay? अभी मैं नेटवर्क सील में नए नए कंटेंट यहाँ पर डालता हूँ या कोई वीडियोज डालता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो ये सारा कुछ क्लाउड पे है इसको आप भी एक्सेस कर सकते हैं मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ ठीक है लेकिन नेटवर्क सील्ड को अगर मैं चाहता हूँ कि केवल नेटवर्क सील्ड पे जो हम इम्प्लॉय काम कर रहे हैं केवल वो ही इसको एक्सेस कर सकें तो दैट्स कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड अगर वीपीएन के थ्रू मैं वीपीएन कनेक्ट करके अपने सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ क्लाउड पे या मैं अपने नेटवर्क डिवाइसेस को वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ या मैंने बोला कि जी आ, मेरा जो आईपी है मेरे कंपनी का स्टैटिक आईपी है वो है वन ट्वेंटी फाइव डॉट ट्वेंटी टू डॉट सेवन डॉट सिक्स फॉर एग्जाम्पल के लिए और मैं चाहता हूँ कि केवल इस आई के थ्रू ही मेरे सर्वर को एक्सेस मिले तो ये भी क्या कहलाएगा आपका प्राइवेट क्लाउड ठीक है बात आ गई समझ में कि लिमिट करना एक्सेस को अपने अकॉर्डिंग दैट्स कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड कि जहाँ पे कि केवल आप लोग ही एक्सेस कर सकते हैं आपके अपने पर्सनल सर्वर हैं आपके पर्सनल आईपी से या पर्सनल वीपीएन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं दैट कॉल प्राइवेट क्लाउड बात करते हैं कम्युनिटी क्लाउड की कम्युनिटी क्लाउड मतलब कि मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरी एक ब्रांच मेरी कंपनी है नेटवर्क सील्ड एकेडमी एन ठीक है ठीक है इसकी एक ब्रांच है दिल्ली में फॉर एग्जाम्पल ठीक है एक ब्रांच है हमारी फॉर uh, एग्जांपल के लिए लंदन में ओके okay. तो और एक ब्रांच है हमने मान लो कि यहाँ पे मुंबई में है फॉर एग्जांपल ठीक है तो हमने बोला कि दिल्ली और मुंबई की ब्रांचों को ही हम एक्सेस देते हैं क्लाउड पे अपने सर्वर पे किसी पर्टिकुलर सर्वर पे जो कि हमारे क्लाउड पे डला हुआ था यहाँ पे सर्वर था हमारा मैंने बोला कि केवल दिल्ली वाले और केवल मुंबई वाले उसको एक्सेस करेंगे लंदन वालों को मैं एक्सेस नहीं देता हूँ तो दैट कॉल कम्युनिटी क्लाउड कि मैं लिमिट कर रहा हूँ एक्सेस को अपने अकॉर्डिंग कम्युनिटी के अकॉर्डिंग समझ में आई बात ठीक है अब अगर हम पब्लिक क्लाउड को और प्राइवेट क्लाउड को पब्लिक क्लाउड को प्राइवेट क्लाउड को कम्युनिटी क्लाउड को इन तीनों को अगर मिक्स कर दें तो ये कहलाता है आपका हाइब्रिड क्लाउड कि आपने एक क्लाउड सर्विस ली एडब्लू से लिया यहाँ पे आपके कुछ सर्वर थे और कुछ नेटवर्क डिवाइसेस थे उनमें से कुछ सर्वर को हमने प्राइवेटली एक्सेस दिया केवल वी के, के थ्रू दिया और कुछ सर्वर को हमने बोला कि पब्लिक के लिए भी ओपन करा सभी एक्सेस कर सकते हैं और कुछ सर्वर को हमने केवल कम्युनिटी के लिए अलाउ करा तो दैट्स कॉल मतलब कि ये बन जाता है आपका हाइब्रिड क्लाउड ओके बात समझ में आ गई ओके सो अभी तक अगर कोई डाउट आप लोगों के दिमाग में आया तो आपने नोट पैड में आई होप कि नोट कर लिया होगा और नोट करने के साथ साथ YouTube पे आपको नीचे कमेंट बॉक्स दिखेगा कमेंट करना ना भूलें ठीक है जो भी डाउट होते हैं नोट करो और डायरेक्ट पेस्ट करो कमेंट करो हमारे फेसबुक पेज नेटवर्क सील्ड को लाइक करो वहाँ पे भी जाके आप कमेंट कर सकते हैं लाइक करने का मतलब ये नहीं कि मेरे को आप लोगों से सपोर्ट चाहिए नहीं मैं चाहता हूँ आप तभी सपोर्ट करें जब आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है ठीक है ताकि आप लोग वहाँ पे डिस्कशन कर सकें ओपन है वो वहाँ पर आप पोस्ट डाल सकते हैं ठीक है पब्लिक क्लाउड हाइब्रिड प्राइवेट और कम्युनिटी क्लाउड मैंने आप लोगों को ओरली बताया डायग्राम आप लोगों के सामने मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखाई मुझे लगता है आप इतने स्मार्ट होंगे कि आप इसको ये डेफिनेशन प्रोफेशनल डेफिनेशन या जो भी डेफिनेशन आप को इंटरव्यूअर पूछेगा वो आप बोलना चाहते हैं तो वो आप गूगल कर लें ठीक है गूगल पे अगर आप सिंपली लिखेंगे पब्लिक क्लाउड ना तो दुनिया भर की डेफिनेशन आ जाएगी आप उनको पढ़ सकते हैं मेरा एजेंडा यहाँ पे आप लोगों को समझाना है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे बाकी चीजें अगर आप कहीं पे भी पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे चीजों को ठीक है बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का जो दूसरा जो आ, दूसरा तरीका जो डिवाइड किया गया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जिसको आई कहते हैं पास प्लेटफॉर्म एजय सर्विस और ऐसे सॉफ्टवेयर अजय सर्विस तो इन तीनों को आप डिटेल में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ये हमारा लास्ट स्लाइड है तो बोर मत होना अपने दिमाग में बैठा लो ये लास्ट स्लाइड है अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो ये देख लो लास्ट स्लाइड है ठीक है तो जो लोग बोर हो रहे हैं वो बोर ना हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आगे तक काम आएगा ठीक अच्छा एक बात बताओ वन टू वन हम लेके चलते हैं अभी तक जो लोग कंपनी पे काम कर रहे हैं या जो कंपनी में काम करना चाहते हैं तो वो समझ जाए कि आपकी एक कंपनी है कंपनी में आपने क्या करा कि आपके खुद का एक छोटा डेटा सेंटर कंपनी के अंदर में ठीक है जब आप नेटवर्क इंजीनियर है जब आप डेटा सेंटर में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने में एक डोर आता होगा वहाँ पे एक फिंगरप्रिंट लगाना होता होगा आपका अंगूठा आपको लगाना होता है आपके आईडी कार्ड लगाना होता है तो पहली बात ये सिक्योरिटी कौन मैनेज करता है ये सिक्योरिटी मैनेज करती है आपकी कंपनी जब आप अंदर जाते हैं तो आपको बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती होंगी तो वो ए कौन मैनेज करता है वो मै ए सी मैनेज करती है आपकी कंपनी और उसके बाद वहाँ पे लाइट का बटन दबाते होंगे या लाइट पहले से ऑन रहती है तो सारा कौन मैनेज करता है इलेक्ट्रिसिटी आपके डिवाइसों के लिए या वहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वो आपकी कंपनी मैनेज करती है उसके बाद उसके अंदर जितने भी रैक लगी हुई है रैक कौन मैनेज करता है आपकी कंपनी मैनेज करती है रैक में जो सर्वर लगे होते हैं जो स्टोरेज डिवाइसेज़ हैं नेटवर्क डिवाइसेज़ हैं वो कौन मैनेज करता है आपकी कंपनी ठीक है तो सारा कुछ आपकी कंपनी मैनेज करती है इन चीजों से बचने के लिए फॉर एग्जाम्पल ये डोर आपने जब आप डेटा सेंटर में एंटर करते हैं तो आपको स्वैप करना पड़ता है कार्ड तो वहां पर जो मशीन लगी रहती है इसको मैनेज अगर आप नहीं करना चाहते हैं। अंदर जाते ए सी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आप मैनेज नहीं करना चाहते हैं और रैक वगैरह जो डेटा सेंटर में रैक होती है रैक होती है उनको आप मैनेज नहीं करना चाहते हैं और उनके अंदर पे सर्वर लगे रहते हैं जो बड़े बड़े सर्वर लगे रहते हैं उनको भी आप फिजिकली मैनेज नहीं करना चाहते तो इन सॉल्यूशन से बचने के लिए आप जाते हैं क्लाउड के पास और जहां पे भी कि पहला ऑप्शन

आपको क्या मैनेज करना है उस पर ओस लेवल पे काम करना है मान लो आपको उन्होंने एक सर्वर दे दिया सिक्सटीन जी बी रैम का और हंड्रेड टी बी स्पेस का तो आप इस सर्वर को लिनक्स बनाना चाहते हैं या विंडोज टू थाउजेंड सिक्सटीन सर्वर बनाना चाहते हैं जो भी बनाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है ठीक है तो जब ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है जो कि आप ब्लू पार्ट में देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया मिडल वेयर हो गया रन टाइम हो गया और डेटा और एप्लीकेशन हो गया तो ये पार्ट आप मैनेज करेंगे और नीचे वाला पार्ट जो भी ऑरेंज में है वो सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा तो इस पार्ट को हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस सेकेंड आते हैं पी ए एस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जहां पर की रन टाइम मिडवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सारा कुछ जो है प्लस जो पहले से चलता आ रहा था आई एस में वर्चुअलाइजेशन सर्वर स्टोरेज नेटवर्किंग ये सारा कुछ अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा आपको केवल एप्लीकेशन और डेटा पे काम करना है तो दैट कॉल पी ए एस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ओके उसके बाद थर्ड आता है कि जहां पे की एप्लीकेशन से लेकर नेटवर्किंग सारी कनेक्टिविटी वो लोग मैनेज करेंगे तो दैट कॉल सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस अब मैं इनका एक्जाम्पल देता हूँ वन टू वन तो आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर होता है

आप एप्लीकेशन डेवलपर हैं या आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप कुछ करना चाहते हैं एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं किसी पाइथन पल या सी जावा इन पे कुछ काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको सर्वर की जरूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है जो कि आपके पास नहीं है अगर आप वन टू वन परचेज करने मार्केट जाएंगे तो सर्वर एप्लीकेशन पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप परचेज करेंगे तो समझ जाओ कि मतलब चार साल में जितनी आप इंजीनियरिंग की फीस जमा करोगे उतना आपका एक साथ खर्चा हो जाएगा लेकिन उस चीज से बचने के लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके एप्लीकेशन पर काम करना है तो आप पी ए एस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस परचेज करोगे क्लाउड प्रोवाइडर से डिस्कस करोगे उनसे बोलोगे मेरे को पी ए एस चाहिए पी ए एस में आपको ये ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए लिनिक्स चाहिए और इतनी टी बी हार्ड डिस्क इतना जी बी रैम ये वगैरह चाहिए उसका आपको पेमेंट करना है दैट्स ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये जनरली कंपनी में आता बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे जहा पे है की आप खुद ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहे हैं जो मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि कनेक्टिविटी ए सी सिक्योरिटी बला बला थिंग्स वो देखेंगे आपको सर्वर भी वो देंगे स्टोरेज डिवाइस भी वो देंगे नेटवर्किंग के कनेक्टिविटी भी वो देंगे आपको बस काम करना है उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर ऊपर के लेयर तक आपको काम कर तो दैट्स कॉल आई ए एस होपुली आप लोगों को समझ में आएगा मैंने कहीं पर डेफिनेशन यहाँ पे लिखी नहीं है मैं एक सिंपल डायग्राम को लेते हुए आप लोगों को समझा रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अगर आपको थियोरिटिकल पार्ट पे जाना है तो फिर आप गूगल करें गूगल पे बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी जो डेफिनेशन आपको लगता है की आप याद कर सकते हैं या आपके लिए अच्छी है वो जाए और मुझे नहीं लगता आपको वो चीजें भी करने की जरूरत है जब, आ, जब आप जबकि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई है ठीक है क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यूअर आपके मुंह से एक्ट डेफिनेशन नहीं सुनना चाहता एकदम वो थ्री डेट में से चतुर्थाना स्पेशली Complex, चतुर की तरह एकदम बिल्कुल रट्टा मारते हुए नहीं करना है ठीक है तो चीजें समझनी है आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है